कि केंद्र ने बहुत बड़ी राशि दी और बहुत बेहद तक मदद किया, लेकिन आप लोग खर्च ही नहीं कर पाते हैं। यह एक दुखद आश्चर्य है कि जो व्यक्ति इस प्रदेश का लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा है और वो जब ऐसी बात करता है कि केंद्र सरकार बहुत मदद करती है और सबसे अधिक मदद करती है, तो हमें न सिर्फ आश्चर्य होता है बल्कि एक तरह से उनकी मजबूरी पर सहानुभूति होती है, क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि सच्चाई वो खूब समझते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अंधभक्ति में और पता नहीं या कहीं अपने मतलब पुनर्स्थापन के परिप्रेक्ष्य में वो सच्चाई नहीं बोलते हैं। अब आप ही समझिए कि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो 42,000 करोड़ रुपया दिया है, सवाल है कि केंद्र सरकार ने 42,000 करोड़ जो रुपया दिया है उसको अभी 1,02,000 करोड़ रुपया देना है पूरे साल का, और 6 महीना बीत जाने पर सिर्फ 42,000 करोड़ रुपया दिया है। यही तो हम लोग की शिकायत है कि उनको पूरे साल का 1,02,000 करोड़ से अधिक जो हमारी हिस्सेदारी है वो भारत सरकार को देना है और उसमें सिर्फ 42,000 करोड़ रुपया दिया है। और सबसे दुखद बात यह है कि वो खुद वित्त मंत्री रहे हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार मदद करती है। ये 42,000 करोड़ रुपया न मदद है न कृपा है, ये हमारी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, ये हमारा हक है। ये जो संविधान सम्मत वित्तीय व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय करों में सभी राज्यों का हिस्सेदारी का प्रतिशत निर्धारित रहता है, ये उस हिसाब से निर्धारित राशि का दिया है, उसमें न उनकी कृपा है न कोई मदद है। और आश्चर्य ये लगता है कि वो समझते जरूर इस बात को हैं, और जब समझते हैं तो खामखा बिहार की जनता को गुमराह क्यों करते हैं, ये बात समझ से पड़े है। और जब केंद्रांश ही समय पर नहीं मिलता है तो फिर राज्य सरकार को अपने संसाधन से केंद्रांश की राशि भी दे के काम तो हम रोक नहीं सकते, चलाते हैं, जैसा कि हमने अनेक अवसरों पर कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान में भी जिससे हम शिक्षकों का वेतन देते हैं कि कितना लेट, 5 महीने तक नए वित्तीय वर्ष में कोई राशि नहीं दी गई थी, लेकिन हमने शिक्षकों का वेतन तो 1 महीने के लिए भी नहीं रोका था। तो आखिर हम लोग अपने संसाधन से इंतजाम करके दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर हम हिस्सेदारी में हकमारी की बात करते हैं, वो बात इससे जाहिर है कि जो मापदंड तय होते हैं उसमें बिहार के साथ नाइंसाफी होती है कि हमें जैसे पहले व्यवस्था थी, ये जो 1,02,000 करोड़ जो हम कह रहे हैं हमारी हिस्सेदारी बनती है, हमारा हक बनता है, ये भी समझिए उनके ना इंसाफी करने के बाद हमारी हिस्सेदारी तय हुई है। कि जब हमको केंद्रीय करों का 11% मिलता था, जिसको इनके समय में घटा के 1% घटा के अब 10% के करीब आ गया है, उसमें 1,02,000 करोड़ है, 6 महीना बीत जाने पर 42,000 करोड़ आया है, तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, कर रहे हैं हकमारी और बता रहे हैं कि मदद। अब आप समझिए कि ऐसे में क्यों गुमराह करते हैं बिहार की जनता को भाई, कि आप इतने लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं,
इसलिए हम समझते हैं कि बिहार की जनता सब कुछ समझती है कि कैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी यानी केंद्रांश का प्रतिशत वो लगातार घटा रही है। जो भी केंद्रांश बनता है वो समय पर नहीं आता है, जिसके कारण राज्य को अपने संसाधन से बची हुई राशि का व्यवस्था करके योजनाओं को चलाना पड़ता है। हमने तो कोई केंद्र प्रायोजित योजना भी एक दिन के लिए नहीं रोकी, इसके बावजूद कि केंद्रांश समय पर नहीं आया। और जहाँ तक वो इंटरेस्ट देने की बात या सूद देने की बात कहते हैं, हम लोगों के यहाँ सूद की कोई राशि बकाया नहीं है। और उसका हिसाब, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ही उसका हिसाब अभी 30 सितंबर को, आज तक उसका डेट है, और जो भी बनता है वो दे देते हैं। और वो जो कह रहे हैं कि चूंकि केंद्रांश की बची हुई राशि पर सूद या इंटरेस्ट की राशि नहीं गई है इसलिए नहीं देता है, ऐसा बिल्कुल मिथ्या झूठ बात दूसरा हो नहीं सकता है। केंद्र सरकार ने तो कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है कि हम आपकी राशि इसलिए नहीं रिलीज कर रहे हैं कि आपका पैसा नहीं दिया है अपने इंटरेस्ट का, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं बनी है। इसलिए इस तरह के ऊल जलूल भ्रामक तथ्य बिहार के जनता को बताकर दो ही मकसद है, जनता को गुमराह करना या अपना सीआर जो है, अपनी साख गलत बातों से भी अपने पार्टी या केंद्र सरकार के नज़र में ऊंचा करना, यही मकसद हो सकता है। सर, एक खबर मिल रही है कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने बिहार देश की राष्ट्रपति आ सकती है। ऐसी हमको भी सूचना है कि शायद राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध सरकार की तरफ से किया गया है। महत्वपूर्ण तो ये होता ही है, कृषि रोड मैप ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, और ये पिछले कई अवसरों पर हुआ है जब राष्ट्रपति ही यहाँ आकर जो कृषि रोड मैप है उसको उन्होंने मतलब लॉन्च किया है। पहले भी श्री प्रणब मुखर्जी भी आए थे, फिर रामनाथ कोविंद जी भी आए थे, और अब वो आएंगी तो अच्छा होगा। सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करती हैं तो ये अच्छी बात होगी। अभी अभी हम लोग तो केंद्र के मदद की ही बात कर रहे थे, उम्मीद तो बहुत बड़ी होती है लेकिन यहाँ हिस्सा ही नहीं मिलता है तो हम मदद क्या सोचें। मदद और कृपा या विशेष सहायता की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग का वाजिब जो हक और हिस्सा बनता है वही समय पर दे दे, बाकी चीज तो हम लोग कर ही ले। अरे असली बात काम की बात नहीं, बैंक के इंटरेस्ट का बात नहीं है, वो बैंक के इंटरेस्ट का बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट की राशि नहीं दी गई है इसलिए अलॉटमेंट नहीं आता है, और हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मिथ्या बात है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया गया इसलिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई, ऐसी कोई न बात है, न केंद्र सरकार ने ऐसी कोई सूचना दी। सर, महिला आरक्षण को लेकर सदन के अंदर बोला, आप उसको किस रूप में देखते हैं? वो छोड़िए ना, अरे इस विवाद को अनावश्यक मीडिया को भी नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हमसे पूछते हैं तो इस तरह की चीजों को, जिससे न राजनीति को कुछ मिलना है, न समाज को कुछ मिलना है, न इससे कोई सही चीज निकल ली है, इस तरह के अनावश्यक विवाद को मीडिया को भी नहीं बढ़ाना चाहिए। अब पहले ही कह दिए ना, अगर किसी चीज को सुनकर आपको आश्चर्य लगता है
या लगता है कि ये उचित नहीं होगा, तो ये तो पहला दायित्व तो मीडिया का है कि इस सब बात को तूल मत दीजिए। लेकिन सर बड़े नेता हैं, सर के बयान देते हैं सर को। नहीं, हमारा जो अनुभव है, हम जो देखते हैं, आप लोग बयान में सिर्फ उसको उसकी मतलब कितना सनसनी खेज हो सकता है उस पर ध्यान देते हैं। नेता बड़ा है या छोटा है इस पर कहाँ ध्यान देते हैं। सर पटना में महादेवला के साथ इस तरह से पता नहीं वो घटना उस पर राष्ट्रीय आयोग की टीम आई हुई है सर, कहीं ना कहीं बिहार सरकार को घेरने की बात पीसी भी कर रही है शाम 6-7 बजे। देखिए, हम बिहार सरकार का मानना सिर्फ यही है कि यहाँ कानून का राज है, और कानून का राज का मतलब अपराध मुक्त समाज ही बन जाएगा या कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, ये तो आदर्श स्थिति होती है। कानून का राज का मतलब होता है जो कोई कानून तोड़ेगा उसको कानून तोड़ने की सजा मिलेगी। और चाहे महिला वाला बात जो आप कह रहे हैं या किसी दूसरे प्रकार का अपराध है, इन अपराधों में शामिल जो भी अपराधी हैं चिन्हित करके कानून के हवाले किए जाएंगे।